टॉप लीडर ऑफ बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय, ऐसा आपने बहुत करीबी से काम किया, हमने देखा है अरुण जेटली जी के साथ, क्या मिस कर रहे हैं आप आज के दिन? देखिए, एक बहुत बड़े नेता को खोया हमने, बड़े भाई को खोया, एक गार्जियन को खोया है, एक चिंतक विचारक और एक बहुत अच्छे वक्ता को खोया हमने। और ये सिर्फ पार्टी का नुकसान नहीं है, देश का नुकसान है, क्योंकि विश्व मंच पे भी अगर अरुण जी खड़े होते तो भारत को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, भारत का सम्मान बढ़ाया। वो जिस मंच पर थे, जिस मंच पर बोलते थे, चाहे वो राजनीति का मंच हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विश्व के किसी भी मंच पे, अपने तर्क के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे, और ये उनकी एक विशेषता थी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही राष्ट्र हित में काम करने वाले जन नेता को हमने खोया है। वो जल चले गए, कहीं ना कहीं दुख रहेगा लोगों, कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। निश्चित रूप से अटल जी के बाद से एक श्रृंखला, मनोहर पारिकर, अनंत कुमार जी, सुषमा जी, अरुण जी, एक बार बीच में लगातार जाना, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ। ऐसा क्षण अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं जो आपका और उनके बीच में, जिसमें आपने बहुत हेल्पफुल रहे हो कभी आपके साथ? जैसे दिग्विजय सिंह जी जब सरकार में थे तो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी अरुण जी थे, तो उनके साथ बहुत निकट से काम करने का मौका मिला था। और मध्य प्रदेश में बंठाढ़ार दिग्विजय सिंह जी को जो शब्द दिया था वो अरुण जी ने दिया था, और वो बंठाढ़ार ऐसा शब्द चला कि वो सरकार चली गई और उमा जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में। तो हमेशा वो राजनीति में कौन सा ऐसा स्ट्राइकिंग पॉइंट है उसको उठाकर और उसका उपयोग पार्टी हित में करना, ये इसमें उनकी मास्टरी थी।